प्यारे दोस्तों को जय श्री राम। मैं स्तव नारायण मिश्रा अभी जो मैं कविता सीख रहा हूँ वो श्याम नारायण पांडे ने लिखा है और ये बहुत जोश से भरी कविता है। इसमें हल्दी घाटी का भी वर्णन होता है। जी हाँ, वही हल्दी घाटी जहाँ मुगल और अकबर की हजारों की सेना और मुट्ठी भर मेवाड़ राजपूत और भील लड़ रहे थे। मुझे तो ये कविता बहुत पसंद आई, आशा है कि आप सभी को भी पसंद आई। चलिए सुनते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सर पर दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं वह वही रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं इस अरिमस्तक पर कहां नहीं। बढ़ते नचा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सारी की सेना पर घेर गया। भाला गिर गया गिरा निशंक। दोस्तों निशंक का मतलब होता है तलवार। तो चलिए। भाला गिर गया गिरा निशंग है टापो से खंग गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग। चर्चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कलकल बहती थी रण गंगा अरितल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुपकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी धन्यवाद।